यूपी में पंचायत चुनाव में जमकर परोसी जा रही अवैध शराब। प्रधान पद के प्रत्याशी जमकर कच्ची शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी पिला रहे हैं शराब और कई जगहों पर जहरीली शराब पीने की वजह से हादसे भी हुए हैं। जहरीली शराब पीने से अब तक आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। गोरखपुर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। शराब पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत भी खराब है। उधर कन्नौज में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। पंचायत चुनाव प्रधानी को लेकर के डेट नजदीक आ रही है, लेकिन देखिए गोरखपुर और कन्नौज में मातम है। यहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। किस तरीके से अवैध शराब को बनाया जा रहा था यह पुलिस को पता चल गया, लेकिन अगर ये पहले पता चलता तो शायद लोगों की जान बच जाती। जब हादसा होता है तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे अवैध शराब की भट्टियां दिख जाती हैं। ये दरअसल गोरखपुर और कन्नौज में तस्वीरें हैं। पूरे प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर अवैध जो शराब है, जहरीली शराब है, उसका कारोबार बढ़ गया है।